72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर बेड़ो प्रखंड और बेड़ो थाना के साथ साथ लगभग सभी आधिकारिक कार्यालयों में झंडोत्तोलन का कार्य हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में सभी अधिकारीगण, विधायक, सांसद, प्रतिनिधि, मुखिया आदि के अलावे देशभक्तों ने हिस्सा लिया। बेड़ो थाना प्रभारी मनीष कुमार गुप्ता के साथ साथ प्रखंड के अंचलाधिकारी ने अमृत थाना परिसर में पौधरोपण कर जन जन को यह संदेश पहुंचाया कि हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, इसको समझना होगा और हर विशेष कार्य पे पौधारोपण जो अपनी पहचान करा रहे। और भारत माता की मनीष जी है, इसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज ही के दिन सर आपने प्लांटिंग का काम किया है, इसे क्या लोगों में संतोष आता है? जा लगा दो उसके, लगा लगा अच्छा से मिट्टी को गिरा ना, चारों तरफ से गिरा, हाथ से गिरा, हाथ से गिरा, लगा रही है आ जा बेटा, पानी चला, पानी चला, पानी चला लगा सर, थोड़ा सा चेहरा उठा कर हाँ मैडम, थोड़ा सा नीचे सतेंद्र जी, अंचलाधिकारी राजीव रंजन जी, आज जो है गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप लोग प्लांटेशन वाला काम कर रहे हैं, तो इससे क्या लोगों को देना चाहते हैं? हर मौके पे हर कोई भी शुभ ऐसा काम, मतलब कि दिवस हो, शुभ दिवस में आदमी को एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। उन लोगों को बड़ा बाबू के ये सौजन्य से ये काम करने का मौका मिला, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज तो शुभ दिन है मैम, तो इससे लोगों में क्या संदेश जाएगा? यही संदेश हम लोग देना चाहते हैं कि वो लोग भी वृक्ष, क्योंकि जंगल तो ऐसे ही खत्म हो रहा है और जंगल से ही सभी लोग जुड़े हुए हैं किसी न किसी तरह से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये संदेश हम देना चाहते हैं कि सभी लोग अपने जो भी जगह है, थोड़े से जगह में फूल के लगाए या फिर कोई वृक्ष लगाए, इस तरह का फलदार वृक्ष लगाए, इमारती वृक्ष लगाए, तो लगाना चाहिए लोगों को, लगाना चाहिए। तो आप जैसा कि देख रहे हैं थाना परिसर है और यहाँ पे पहले ये जो सर आया है अभी, इसके पहले वैसा यहाँ पे एक्टिविटी नहीं देखा गया था, लेकिन अभी पूरा प्लांटेशन का काम हो रहा है और सुसज्जित किया जा रहा है थाना परिसर को। ये एक सराहनीय कदम भी है और हमारे बेड़ो प्रखंड के लिए बहुत ही अच्छा पहल भी है। देश सर्वमान्य होगा और सर्वव्यापी होगा। मैं कैमरामैन रवि सिंह के साथ मनीष कुमार बेड़ो।